तो जीजा जी आपने क्या देखा सबको बता दो। मैंने देखा कि आयुष एक लड़की के साथ घूम रहा है। क्या कर रहा है भैया ये तू? हाथ पकड़ के वो भी कहाँ जा रहा था उस साइड जहाँ खंडार है ना, उधर जा रहा था भाई उत्तर उत्तर के। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वही सेम मैं, वही सेम कपड़ा, वही सेम चेहरा, वही सेम स्टूडियो, रोज रोज का यही है। सो अभी लाइक ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, चलो फटाफट से रेडी होते हैं। ऐसा रोज बोलता हूँ और फिर कुछ करने लगता हूँ, एक कपड़ा तक चेंज नहीं करता मैं। खैर कोई बात नहीं, आज पक्का करेंगे। तो यार चलो फटाफट से थोड़ा सा रेडी होते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, नहाते वहाते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है। सो हे व्हाट्स अप गाइस, और ये देखो इसको भी देख ही लो तुम लोग इसी बहाने। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, रोज़ सुबह उठता हूँ तो थोड़ा सा ऐसे वॉकिंग पे निकल जाता हूँ बाहर डेली, थोड़ा सा ऐसे उठने के बाद में थोड़ा सा ऐसे वॉक वॉक करता हूँ, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद घर पे जाता हूँ, फिर नहाता वहाता हूँ, फिर खाना वाना खाता हूँ, फिर आगे शुरुआत करता हूँ। ये देखो मैं डेली यहीं बैठता हूँ, थोड़ा अच्छी जगह है ना ये। और तुमको पता है मैं ना कभी भी आता हूँ ना, तो ये जो है ये जो तुम लोग देख रहे हो इसको 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 जो देख रहे हो इसको, ये ना हमेशा हमेशा पहले आके बैठ जाएगा कि हाँ मैं आने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टाइमिंग आजकल फिक्स रहता है ना। अब पिछले 15-20 दिनों से टाइमिंग फिक्स ही है मेरा, मतलब मैं इसी टाइम पे रोज़ यहाँ पे आता हूँ, तो इसको भी पता है। तो मैं इसके लिए कभी कुछ लेके आता हूँ खाने वाने के लिए। और ये जनरली कुछ भी खाता है, बिल्लियों के पार्ले जी खाता है कुत्तों वाला तो मैं इसको डेली खिलाते रहता हूँ, तो ये प्रॉपरली आके बैठे रहते हैं। सो मैं कभी कभी तो मैं इसके लिए भी आ जाता हूँ और जब तक मैं रहूँगा ना तब तक हिलता नहीं है, इधर ही बैठे ही रहेगा। हिलता है कि हिलती है पता नहीं, अभी तक मेरे को जेंडर पता नहीं चला, बट देखते हैं। बाय बिल्ली, इसका नाम भी मैंने कुछ नहीं रखा, इसका नाम आज से गोजो सातोरो। ओके फाइन, तो यही था। कल रात को मैं यहाँ पे आने वाला था क्योंकि यहाँ पे कल जो है गणपति बाबा का विसर्जन हुआ था और आज यहाँ पे इंसानों का विसर्जन हो रहा है सब लोग का। यहाँ पे आतिफ और असलम क्या बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा डैंक हो रहा हूँ। वाओ हो गया ख़त्म, पानी कहाँ गया? यहाँ का पानी चले गया, खत्म हो गया। हेलो हेलो हेलो, हमारे मूर्ति डुबाने, मूर्ति बिरती। कल यहाँ पे बहुत गणपति डूबी ना? कल नहीं परसों, कल रात को ही डूबी ना। ओके फाइन, सो अब बाय बाय बाय। हम लोग आएंगे YouTube पे। हाँ हाँ, आओगे आओगे। फेमस चैनल का नाम क्या है? चैनल दिख जाएगा तुम लोगों के सामने ही, तुम लोग हो ना उसमें, इसीलिए तुम लोग के साथ। तू वीडियो में है ना, तो डायरेक्टली तुम लोग के सामने आ जाएगा। वीडियो में ऐसा आते हैं ना तो डायरेक्टली आ जाते तुम लोग के सामने। यूट्यूब खोलते रहना। हाँ ओके फाइन, सो घर के रास्ते में हूँ और जाने से पहले सोच रहा हूँ सेव पूरी खा लूँ। भैया वापस बना दो यार, मस्त एकदम 3 सेव पूरी कर दो पार्सल फटाफट एकदम। सो अभी जस्ट घर पे पहुंच गया हूँ और ये यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसको ला के सेव पूरी दे दो, इसको ला के ये दे दो वो दे दो, दिन भर पता नहीं एनिमे देखेगा, यूट्यूब देखेगा, मजे करेगा। हैं कौन मांग रहा था? बाहर का खाना नहीं चाहिए गाइस, घर का खाना खाओ, हेल्दी बनो, राम राम सारा ना, 75 हार्ड डे चैलेंज करो, खुश रहो। ओके फाइन, तो 75 हार्ड डे चैलेंज मैं तुम लोगों को बता दूं कैसे करना है। सुबह सबसे पहले कैसे भी कोशिश करके भैया 12 बजे से बाद ही उठना है, फर्स्ट स्टेप। नींद बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, तो 12 एक तो नॉर्मल हो, उसके बाद उठो। तो 12 बजे के बाद उठने के बाद में सबसे पहले तो तुम्हें भैया एटलीस्ट 1 घंटा तो रील स्क्रॉल करना पड़ेगा, मोबाइल देखो, रील स्क्रॉल करो, गेम्स खेल लो थोड़ा बहुत, 12 से 1 घंटा उठने के बाद डायरेक्ट। हाँ उसके बाद उठो, बिना मुंह धोए जो तुम्हारे घर में है वो खाओ, जाके बाहर जंक फूड लाओ वो खाओ, पानी तभी पियो जब प्यास लगे, नो नीड टू ड्रिंक 4 gallons ऑफ वाटर, इट्स फाइन। कभी भी और सेल्फी मत लो यार, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है तो हाँ सेल्फी लेके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आईना देख लोगे वैसे तुम्हें कॉन्फिडेंट तुम्हारा सब हट जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं रोज बोल देता हूँ कि मैं रेडी होने वाला हूँ, लेकिन यही रहता है। Okay guys, तो अभी कुछ ऐसा हुआ कि अभी जीजा जी गए थे गार्डन, तो जीजा जी आपने क्या देखा सबको बता दो। मैंने देखा कि आयुष एक लड़की के साथ घूम रहा है। क्या कर रहा है भैया ये तू? हाथ पकड़ के वो भी कहाँ जा रहा था उस साइड जहाँ खंडार है ना, उधर जा रहा था भाई उत्तर उत्तर के। ओह नो, मेरे पोल तो खुल रहे गाइस, अब क्या होगा यार? मतलब क्यों भैया? मैं धीरे से चला रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शर्मसार मैं हो रहा था यार, बताओ अभी से आयुष ये सब वही ना। क्या है भैया ये सब? अब क्या करो यार, क्या करो यार, वो रो रहा था लड़का, क्या करे। हां ब्रो, व्हाट व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? मैं कुछ नहीं, वो स्ट्रेंजर थी, थोड़ा बात कर रही थी, उसको रास्ता बता, इधर से नहीं इधर से जाओ, इधर से जाओ। तो साथ में क्यों जा रहा था बता दिया होता, उसको रास्ता समझ नहीं रहा था, तो बोला चलो छोड़ देता हूँ।
तो छोड़ो, हाथ पकड़ के दिखाएगा, अंधी तो नहीं थी वो। अरे मैं बोल रहा था इधर चलो, उधर भाग रही थी ना, बोल रहा था चलो मैं चलो आपको दिखा देता हूँ। वेरी काइंड हार्टेड बॉय, देखो एवरीबॉडी हैव टू बी काइंड हार्टेड लाइक हिम। नहीं नहीं, बट कोई कोई मार देती है ऐसा ही लड़की के साथ, मैं कर रहा हूँ चप्पल से मारने लगी। नहीं क्योंकि हर किसी को काइंडनेस की कदर नहीं होती ना भैया, यार क्या कुछ कर नहीं सकते। मैं सोच रहा हूँ वहाँ ना दुकान है ना वहाँ पे होटल है ना रेस्टोरेंट है, झाड़ में कहा जाकर क्या करेगा पानी ऐसे वहाँ पे, जब ये पानी था तो वहाँ क्या दिशा दिखा रहा था। दिशा दिखाना पड़ता है, हर जगह दिशा दिखाना पड़ता है। काइंड हार्टेड है भाई, अब हम काइंड हार्टेड, देखो मेरे को गाइस बदनाम किया जा रहा है, प्लीज इस जाल में मत फंसो, ये सब एक झूठ है, सब झूठ है। कुछ भी बोले मैं ये वाला तो काट दूंगा। दोपहर का बोला कि अब जा रहा हूँ नहाने, अब जा रहा हूँ नहाने, नहाते नहाते सीरियसली 7 बजने वाले, और इस अनहाइजीनिक लड़के को देखो तुम लोग कितने कल ही नहाया भाई। ओके फाइन, सो फिलहाल रेडी होके मैं यहाँ वहाँ घूम ही रहा हूँ, और हर जगह एकदम औरत ही चल रही है, और मैं क्या करूँ मेरे को पता नहीं। देखो सब ऑन प्रोसेस में चल रहा है, ये भी ऑन प्रोसेस में, अचानक आरती के लिए बुलाया है तो सब लोग गायब। ये भी एक रीजन है ना नहाने का, फॉर एग्जाम्पल नहा दो कि देखो ऐसे ही तो बैठा हूँ मैं, ऐसे आराम से देखो आराम से बैठा हूँ, कुछ कर रहा भी तो नहीं हूँ, तो इसलिए सोचता हूँ क्या है नहाना। अब ये है इसलिए एक दो दिन में नहा लेता हूँ, नहीं तो ये मैंने शुरू नहीं किया था ना व्लॉगिंग तो नहीं ही नहाता था। और ये देखो इसको भी याद रहेगा तुम लोग को, अगर मैंने खरीदा था तो अभी ये यहाँ पे बेचारा, क्योंकि जीजा जी आए तो जीजा जी का भी सेटअप था ना थोड़ा काम वाम का, तो वो मेरे में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम लोग देखोगे तो ऐसा दिखेगा वो, तो अब ये बेचारा यहाँ पे, तो इसको बाद में कभी वापस अपने स्टूडियो में लेके आएंगे, ऐसा कभी मेरे को फील नहीं हुआ, अभी देखा तो याद आया। मोदक, आई लव दिस मोदक एंड दिस केला। ओके फाइन, सो अभी जस्ट घर पे आ रहा हूँ आरती में से, और आरती में कैमरा तो लेके जा नहीं सकता, सो इसीलिए बहुत टाइम से मैं बाहर था, और अभी जस्ट घर पे पहुँच रहा हूँ, और एकदम खतरनाक वाली भूख लगी है, तो फटाफट से खाना खाता हूँ और शांति से मुंह बना के सो जाता हूँ। सो भैया आजकल मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, ना ही कहीं जीजा जी भी कहीं घूमने नहीं जा रहे, वो व्लॉग में कुछ ऐसा दिख रहा नहीं है। देखिए ये सब के लिए मैं फुल्ली प्रिपेयर था पता है, और इसीलिए जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू किया ना तब से मैं घर के ही व्लॉग्स बनाता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था ना कि मैं जिस टाइप का इंसान हूँ उस हिसाब से मैं कभी कहीं रोज़ जा नहीं सकता, तो ट्रैवलिंग व्लॉग इज़ नॉट माय कप ऑफ टी टू बी ऑनेस्ट। सो यार दिस इज फॉर टुडेज़ व्लॉग, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि मैं व्लॉग्स में कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा ही नहीं हूँ कि तुम मुझे सब्सक्राइब करोगे, बट फिर भी इंटरेस्टिंग लगा तो कर देना। बाय। मैं ना रोज बोलता हूँ माय सोल जस्ट लेफ्ट माय बॉडी।